विद्यालय पानी की समस्या रहता रहा, क्या दूर होता? विश्वविद्यालय जो है, मुझे अभी आए हुए कुछ दिन हुए हैं। जैसा कि ये यहाँ के लोगों के द्वारा बताया गया है कि विश्वविद्यालय में जल जमाव की समस्या रहती है। इस संदर्भ में मैंने यहाँ के जिलाधिकारी महोदय और यहाँ के स्थानीय लोगों से जानने का प्रयास किया, और जैसा कि यहाँ के आदरणीय जिलाधिकारी जी एवं जो है मुख्य विकास अधिकारी ने अवगत कराया और आश्वस्त भी किया कि जो है इस समय जो है बाढ़ इस बार शायद जल जमाव की समस्या शायद विश्वविद्यालय परिसर में ना हो, क्योंकि जो कटहल नाला है और वहाँ एक रेगुलेटर जो है वो दोनों का निर्माण हो चुका है और कटहल नाला की भी साफ सफाई हुई है। तो हम लोग यही विश्वास कर रहे हैं कि इस बार हम लोग जो है इस समस्या से निजात पा लेंगे और आने वाले समय में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जैसा कि आप सब जानते हैं, विश्वविद्यालय में निर्माण कार्य जो बहुत तेज गति से चल रहा था। जैसा कि जब मैं आया तो लोगों ने बताया यहाँ विश्वविद्यालय में चल रहा था, परंतु किन्हीं कतिपय कारणों से किसी सज्जन को भ्रम रहा होगा, कुछ मन में रहा होगा, उन्होंने NGT में शिकायत भी की थी, तो उसके कारण से यहाँ पर कुछ देर के लिए रोक लगी थी, परंतु वो रोक हट चुकी है और हमें विश्वास है कि पुनः जो काम करने वाली एजेंसी है वो जल्दी ही काम प्रारंभ कर देगी। जी, बलिया जो अपने आप में जाना जाता है और बाकी धरती पर आए हुए हैं, क्या किसी किसी विश्वविद्यालय के आपको देखते हैं बनाने के लिए? देखिए, वास्तव में जो आप जैसे आपने कहा बागी बलिया, तो बागी बलिया के माने बलिदानियों की एक बलिया है, और वास्तव में अगर हम इसका इतिहास पढ़ते हैं तो लगता है कि देश के स्वतंत्रता आंदोलन में जिसकी भूमिका यहाँ की रही है शायद ही किसी जिले की रही हो प्रदेश की। तो एक तो ये बड़ा उत्साह का विषय रहता कि यहाँ के लोगों में एक प्रकार का एक ऊर्जा है, इस प्रकार का कह सकते हैं कुछ देश राष्ट्र हित के प्रति सोचने का भाव भी है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये एक विश्वविद्यालय बलिया विश्वविद्यालय के लिए एक उपलब्धि की तरह है, क्योंकि बलिया के लोगों में पढ़ने की अभिरुचि भी बहुत है। ये यहाँ के बहुत सारे लोग देश के कोने कोने में और अच्छे पदों पर हैं, तो अब वो कहीं जाकर दूसरे जो यहाँ के छात्र पढ़ते हैं, तो हम लोग प्रयास यही कर रहे हैं कि वो छात्र हमारे ही इसी स्थान पर उनको हम वो सुविधाएं दे सकें, वो विषय की पढ़ाई यहाँ करा सकें जो कि वो बाहर जाके पढ़ते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं नए नए जिनको हम आगे जैसे ही हमारा ये निर्माण कार्य पूरा होता है और जैसे ही हमारे पास संसाधन बढ़ते हैं तो हम उन नए कोर्स को यहाँ प्रारंभ करने की योजना बना के चल रहे हैं।